ललित मोदी के लिए काफी अहम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरसीए चुनाव परिणाम होगा घोषित। आरसीए अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं ललित मोदी। जोधपुर जिला अदालत में आसाराम मामले पर सुनवाई, पीड़िता की उम्र को लेकर आसाराम के वकीलों ने पेश किया प्रार्थना पत्र। जिरह के बाद अगली सुनवाई 13 मई तक टली। नमस्कार, न्यूज इंडिया की ताजा खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। अमेठी में भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी और गांधी परिवार को जमकर कोसा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक मोदी की इस रैली के सियासी गुड़ा भाग लगाने में जुटे पड़े हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूं तो कहावत है कि सियासत में सब कुछ जायज है, लेकिन फिर भी कुछ एक रवायतें अब भी जिंदा है। इनमें से एक रवायत रही है कि राजनीतिक दल स्टार नेताओं के सामने या तो कमजोर प्रत्याशी मैदान में उतारते हैं या फिर उन सीटों पर प्रचार में पूरी ताकत नहीं झोंकते। इसे राजनीतिक सम्मान कह सकते हैं तो सियासी मजबूरी भी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में हुंकार भरकर इस परंपरा को तोड़ा है। मोदी के अमेठी में रैली करने के पीछे भी विशेषज्ञ सियासी चाल मान रहे हैं। मोदी शायद ये संदेश देना चाहते हैं कि वे किसी भी सियासी गठजोड़ में यकीन नहीं करते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सपा और बसपा के साथ अक्सर गठजोड़ के आरोप लगते रहे हैं, जिसकी वानगी अमेठी में भी देखने को मिलती है, जहां सपा कमजोर प्रत्याशी उतारती है। तो वही कन्नौज में कांग्रेस ने गत उपचुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ प्रत्याशी ही नहीं उतारा। वहीं कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि मोदी इसी बहाने राहुल और सोनिया को बनारस में रैली का न्योता भी दे रहे हैं, ताकि उन्हें अपनी लहर का एहसास करवाया जा सके। अगर बनारस से मिल रही खबरों की माने तो राहुल या सोनिया भी जल्द ही बनारस में रैली कर सकते हैं और इसका जिम्मा गुलाम नबी आजाद को सौंपा गया है। बहरहाल अमेठी और बनारस से जीत की